ड्रग्स कनेक्शन में अब आ चुका है दीपिका पादुकोण का नाम भी। दीपिका का ड्रग्स चैट सामने आ चुका है, जिस पर अब बयान जारी कर सकती हैं दीपिका। जी हां, सोर्सेस की माने तो इस मामले में नाम सामने आने के बाद दीपिका पादुकोण अपनी लीगल टीम से सलाह ले रही हैं और कहा जा रहा है कि वो अपना बयान जारी कर सकती हैं। दूसरी ओर एनसीबी टीम आज दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश, टैलेंट मैनेजर जया साहा को दोबारा और श्रुति मोदी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। हालांकि दीपिका की भूमिका को लेकर एनसीबी ने अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन ये ड्रग्स चैट सामने आया है। रिपोर्ट्स की माने तो ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी की टीम ने दीपिका के मैनेजर करिश्मा प्रकाश और दीपिका के बीच एक लंबी चैट रीस्टोर की है, जिसमें दीपिका करिश्मा से ड्रग्स की डिमांड करती नजर आ रही है। इसमें अमित और शैल नाम के दो लोगों का नाम भी शामिल है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अमित और शैल कौन है। दावा किया जा रहा है कि इस चैट में दीपिका का कोड नेम डी और करिश्मा का कोड नेम के है। आप देख सकते हैं ये चैट क्या कहा है दीपिका ने। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि अपने बयान में दीपिका क्या कहती है।